सभी भक्तों को हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम बात करेंगे हनुमान जी के अवतार के संबंध में। ये बात सबको पता है कि हनुमान जी शिव जी का अवतार है और इन्हीं से जुड़ी हुई एक रोचक कथा आपको मैं सुनाने जा रहा हूँ। एक बार माता पार्वती की इच्छा पर शिव भगवान ने कुबेर से कहकर बहुत प्यारा और सुंदर सा सोने का महल बनवाया। रावण उस महल की सुंदरता को देख के बहुत ज़्यादा मोहित हो गया, क्योंकि इतना सुंदर महल और वो भी सोने का महल देखकर वो तो चकित ही रह गया। और उसने सोचा कि अब क्यों ना शंकर जी से इस महल को मांगा जाए। और उसने ब्राह्मण का वेश बनाया और शंकर जी के पास पहुंच गया। रावण ब्राह्मण का वेश बनाकर जब शंकर जी के पास पहुंचा तो माता पार्वती और शंकर जी से कहा कि अगर आप महल में प्रवेश करना चाहते हैं तो आपको पूजा करानी होगी। और रावण ने चतुराई से पूजा करवाई और पूजा कराने के बाद दक्षिणा के रूप में उस महल को मांग लिया। शंकर जी अपने भक्त को पहचान लिए थे कि ये ब्राह्मण के बीच में रावण ही आया हुआ है और मंद मंद मुस्काए थे शंकर जी। और शंकर जी ने उसे बड़ी ही प्रसन्नता से उस महल को रावण को दान दे दिया। दान में महल को प्राप्त करने के बाद रावण को विचार आया कि ये महल तो माता पार्वती के लिए बनवाया गया था और उनकी सहमति के बिना ये महल प्राप्त करना मेरे लिए अशुभ माना जाएगा। तब उसने माता पार्वती को भोलेनाथ से मांग लिया और भोलेनाथ तो ठहरे भोले भंडारी और उन्होंने ये भी स्वीकार कर लिया। जब रावण माता पार्वती को सोने की लंका में ले जाने लगा तो माता बहुत ज़्यादा दुखी हो गई और मन ही मन विष्णु भगवान को याद करने लगी। जब विष्णु भगवान को याद करी तो विष्णु भगवान तुरंत आ गए और रावण से माता की रक्षा की। माँ पार्वती शंकर जी से बहुत ज़्यादा अप्रसन्न हो गई और शंकर जी ने भी अपनी गलती को स्वीकार कर लिया। फिर शंकर जी ने माता पार्वती को एक वचन दिया। शिव शंकर जी ने कहा कि त्रेता युग में वानर रूप हनुमान जी के रूप में मैं अवतार लूंगा और उस समय तुम मेरी पूछ बन जाना। जब मैं माता सीता की खोज में लंका जाऊंगा तो तुम मेरी पूछ में सवार हो जाना और वहां पर रावण की लंका में आग लगा देना और रावण को दंडित करना। दोस्तों, उम्मीद है कि ये प्रसंग आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और पता चला होगा कि हनुमान जी के अवतार के पीछे का कारण। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो और लगा हो कि कुछ सीखने को मिला तो इसी वक्त हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कर दीजिए। इसी तरह मैं आपके लिए यूजफुल कंटेंट हमेशा बनाता रहता हूँ। और आप सभी को हनुमान जयंती की ढेरों 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 बधाइयाँ और हार्दिक शुभकामनाएँ। और आपका दिन मंगलमय हो, ये मैं